किया, क्या बोला वेंचर, मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद। मेरे को अभी तू तेरी आईडी देखी तो अभी मुझे पता लगा, मैंने कल तेरे को ओला ड्राइवर बोला, टैक्सी ड्राइवर बोला, मुझे गाली वाली भी दी। अरे ऐड तो किया पनोड़ी भाई को, अब देखो बाबा चले गए यार। बाबा को भाई एक बार ही शेयर करो, सारे सारे बाबा को शेयर करो, ये थोड़ी बात होती है यार तुम अपनी टोपी घुमा के निकलो। थैंक यू भाई मुकेश भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल से यार, दिल से रिस्पेक्ट है आप सबकी, धन्यवाद। लक्की पनोड़ी आ जा भाई, मैं भी सुहाना ट्विच कैसे कर रहा हो? था, मैं सोचा कि इससे आता हूँ यार, गिरा हुआ इंसान से। अब बिल्कुल क्लियर है यार, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कमेंट की अभी नोटिफिकेशन भी गया बाबा, आपका भी नोटिफिकेशन गया है, पनोड़ी भाई का भी नोटिफिकेशन गया है। थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद यार, बोल दो दिल से यार, खत्म हो शुक्रिया गया यार आपका। बर्थडे। मतलब ये राज के साथ तुम्हारा क्या पंगा अरे है? नहीं मतलब चलने यार दो, ये राज भाई के पीछे तुम क्यों पड़ गए हो? अरे मैं नहीं पढ़ा, मैंने दारू पी रखी थी और मैंने भाई ऐसे ही रात को लाइव चल रही थी, मैंने बोला ठीक है तू वहां पे टैक्सी चला रहा है, देख हम लोग मजे कर रहे हैं, देख पंजाब की जवानी, देख ऐसे ऐसे करके बकचोदी कर रहा था, कुछ भी नहीं था, सुपरमार्केट में गया हुआ था। थैंक यू गोल्डी हरसाना भाई, थैंक यू भाई, लव यू, मतलब ऐसे ही मजे ले रहा था मैं इसके साथ। कैसे हो पनोटी भैया, जय बोलेगी बाबा, जय हैप्पी हो, बर्थडे कैसे हो टू भाई? यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सूपी भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, अगर किसी को उस बात का जवाब हो किसी के पास तो दे दियो। मतलब कि ये बालियान की एक दो बार मैंने लाइव देखी, वो बंदा दूसरे फोन से अपनी रिसेंट पोस्ट या रील दिखाता है लोगों को और फिर बोलता है कि सारे भाई जाके यहाँ पे 600 कमेंट कर दो, 500 कमेंट कर दो। मतलब क्या है? मतलब उसका राज क्या है? उसका कोई रीजन तो होगा ना उसके पीछे। इंगेजमेंट बढ़ती है उससे पनोड़ी भाई। अच्छा मतलब के आईडी ग्रो अप होता है उससे। नहीं, आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है उससे, और उससे ये होता है कि जब प्रमोशन वाले लोग आते हैं ना आपके पास, आपको आउटरीच हाँ करते हैं प्रमोशन वाले लोग, तो वो देखते हैं कि आपकी आईडी में इंगेजमेंट भी है कि नहीं है। तो वो जब देखेंगे कि इतने लाइक इतने कमेंट, तो वो सोचते हैं कि हाँ आईडी अच्छी है, चलो अब इससे प्रमोशन करवाते हैं। यूं अच्छा, इसीलिए वो बंदा बोलता है कि जाके 500 कमेंट करो, 600 कमेंट कर दो। हाँ। अब लोग सोचते हैं कि भाई ये हमारी आईडी की वैल्यू होती है कि लाइव में कितने व्यूअर बैठे रहते हैं, तो ये सिर्फ अपन लोग ऐसा सोचते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं वो लाइव नहीं आते पनोड़ी भाई, बस वो लाइक और कमेंट के हिसाब से उनकी इंगेजमेंट डिसाइड होती है और वो उसके हिसाब से प्रमोशन मैसेज आते हैं आपके पास। अच्छा तो ये इसीलिए वो बंदा बोलता है कि भाई जाके 500 कमेंट कर दो, 600 कमेंट कर दो, भाई को थोड़ा सा प्यार दिखा दो। ये बोलता है वो। अच्छा, गुरु है भाई उसका, बाल्यान का मैं गुरु तो की है। तेरा भी सही गुरु बात कह रहा हूँ था, आपकी भाई। तूने बड़ा सिर पे से हाथ हटवा लिया, तेरा भी गुरु मेरा। भाई देखो, मैंने आपका घर बसाया, देखो अगर हम लोगों ने ऐसा ना आपकी किया भाई, होता आपके भाई, पास भी आप प्रमोशनल लोग मैसेज अलग आते हैं ना, ये लगते। जो हाँ भी यहाँ ऑफर आते हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी बाबा भाई, तो इनका क्या कैसा रहता है सीन? मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि क्या कैसा रहता है। कल मेरे पास मतलब एक हफ्ते पहले बेला वीटा का परफ्यूम जो आजकल चल रहा है ना, हमारे यहाँ ज्यादा ही फेमस हो रहा है, तो उनका वो आया था मैसेज, तो मैंने कि ठीक है मैं कर दूंगा, तो उन्होंने 5,000 रुपए भी दिए और बेला वीटा का वो पाउच भेजा। उन्होंने बोला कि आपको मतलब कि 24 घंटे के 24 घंटे तक हमारी वो लगा के रखनी है रील। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैंने वो कल डाली थी आज डिलीट मार दी, तो वो आया था मैंने देखे। बाकी परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूँ बाबा जो महंगे महंगे परफ्यूम होते हैं ना हाँ उनकी स्मेल
स्मेल इन परफ्यूमों में, इतने प्यारी फ्रेग्रेंस है कसम से, आदमी पागल ही हो जाए वास्तव में। कनोड़ी भाई, इसको अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हो ना, तो आप एक बात बताओ, घर बैठे आप अगर अपना सोशल मीडिया ग्रो करके अगर मंथ के 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो क्या बुरा है यार? हाँ उसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्या बुराई है, सही बात है। हाँ ना, और इस ऐसे स्मार्ट बहुत वर्क है पास है, मतलब। सही बात है। मुझे तो 2 साल पहले ये दीपक प्रमोशन करता था ना, तो एक प्रमोशन वो कंपनी वालों ने मेरा अप्रोच किया था, तो मैंने बोला कि दीपक चलो कॉन्फ्रेंस में बात करो, क्योंकि मुझे ये रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं थे ना। तो उसने बोला कि पनोड़ी भाई आप स्टोरी डाल दो, सबसे पहला मेरा अकाउंट है इन गार्ड वी ट्रस्ट 04 वाला। तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको 7,000 रुपया देंगे, आप स्टोरी डाल दो हमारी, या तो फिर कोई रील बना के, मतलब प्रोडक्ट की कोई रील बना के डाल दो, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भोसड़ी के मैं तुझे 15,000 दूंगा, सब लोगों से मेरी स्टोरी डलवा, सब इन्फ्लुएंसर से, सब लोगों को मैं 7,000 दूंगा। तो वो दीपक ने बोला कि तू मादरचोदा ना, बहुत ही घटिया इंसान है तू, तुझे तो कुछ करना नहीं है, तू साथ साथ में मेरे मेरे पैसों के भी तू मां चोद रहा है। उसके बाद दीपक ने, अब भी मुझे ये गोवा का कसिनो था ना बैली, उसका उसने मुझे बोला कि पनोड़ी भाई डाल दो, 45,000 दे रहा है वो बंदा, ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं डालना है कुछ, ये स्टोरी बोरी मैं डालता नहीं हूं किसी की। हाँ तो भाई ये प्रमोशन प्रमोशन बाबा अपना काम के चीज नहीं है यार। मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास भी आया था, मना कर दिया था कि नहीं चाहिए भाई। हाँ ऐसा क्या कि अक्की भाई को छोटा भाई कर वो रहे हैं आप आप, बात कर चिढ़ा रहे हो, रहे हो हम यार ऐसा एक नहीं तरह कर रहे हैं की। भाई, वो उनका भाई वो उस तरीके से देखो, भी। ओ टोपा ये बात घुमा मत, उसकी अरे बात मत घुमा, वो सही है, उनका प्रोफेशनल नहीं है, वो नहीं करते भाई, हम करते हैं, हम कर देते हाँ हैं। यार थोड़ी भाई यार कंट्रोवर्सी करो, किसी को पकड़ के लाओ, मजाक करे भाई। बहुत दिन से ना मेरे को हाँ दारू पी छोड़ रखी थी, अब शुरू कर दी, खुजली हो रही नहीं है, नहीं आज पकड़ के रात लाओ को ही मेरे को। कंट्रोवर्सी हो जाएगी मेरी रील देखने के बाद। 3 दिन से बोल रहे हो यार आप, 3 दिन से। अरे अरे यार मैं बाबा, मेरी रील मतलब डाल, कि मैं थोड़ा पूरा कुछ सेटअप में लगा हुआ हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने आज तक किसी भी रील के लिए प्रिपरेशन नहीं की। मेरे दिमाग में जो भी आता है, जो भी लोकेशन होता है, मैं डाल देता हूँ। लेकिन ये रील के लिए मैंने थोड़ा मतलब के कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है, $250 का, तो अच्छे से कुछ रील बनाऊंगा मैं, आज रात को बनाऊंगा बाबा मैं वो रील। मैं सुबह डेली उठ के आपके प्रोफाइल चेक करता हूँ कि आज कुछ घेरे हो गए, आज कुछ घेरे हो आज गए। डालूंगा बाबा वो रील में, आज डालूंगा, पक्का डालूंगा आज वो रील में, ठीक है। मतलब के शस्त्र सरंजाम सब कुछ रेडी है, बस रील डालने की तैयारियां हो चुकी है, आज डालूंगा मैं रील, घेरूंगा सुपी भैया। भाई वो रील देख के है ना, पूरा इंस्टाग्राम तो हम यूं ही बोलते हैं, लेकिन इस बार पूरा इंस्टाग्राम हिल जाएगा। हाँ फिर तो हम रील इंतजार देख के ही कब तक, लोगों के हक, क्या हुआ क्या हुआ कि भाई चलेगी वो? आज रात को ही डालूंगा, तुम सुबह उठोगे मतलब तुम देख लेना रील। चलो और तुमको आना पड़ेगा कि भाई लाइव पे हमारे साथ। वो तो रील देखने के बाद ही पता चलेगा, बाकी रील देखने के बाद ये सिचुएशन होगी कि लोग तुमको पूछेंगे कि क्या तुम इसे जानते हो, इसके बारे में तुम्हारे पास कोई डिटेल्स है, तो जरा हमें भी वो डिटेल्स दो, ये है कौन ये। भाई साहब हाँ अच्छा जी अच्छा हाँ ये हो रात को बहुत बड़ी इंतजार रहे। अच्छा कंट्रोवर्सी आज रात को घेरने वाला हूं मैं। मतलब क्या, देखो क्या हुआ। भाई देखो अक्की भाई को बात रखो यार, पनोड़ी भाई इस भाई साहब कंट्रोवर्सी मुझ पे भाई हाथ को बराबर छिड़वा ले साथी सूफी, बना के कभी चलो। कभी आ जाता हूँ, अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। मैं तेरी काली गाय भाई, मुझे दूर रहने दे, मैं इतना ही ठीक है। मैं भाई नीचे कमेंट करके बता दो, देखो मेरी तो कोशिश है भी अक्की भाई को हम साथ लेके साथ आए, हूँ, ठीक है, ऑफ क्योंकि अक्की कैमरा भाई तुम्हारे हरियाणा साथ हूँ, ऑन से। कैमरा कमेंट नहीं, ऑफ कैमरा कर दो साथ हूँ। क्यों बाबा,
पीछे से सपोर्ट है आगे से नहीं। अपना काम है सो ऑफ कैमरा ही सपोर्ट रहता है भाई साहब, ऐसा ना हो तुम्हारी कंट्रोवर्सी के चक्कर में घर से ही उठ के जा रहा हूँ कहीं रहन दो मुझे ऐसे ही जीने दो। ठेके पे जाइए तो बोतल लाइयो गाड़ी में, बहुत दिन बहुत दिनों बाद 1000 व्यूअर देख रहा हूँ मैं बहनचोद, आते ही नहीं है आजकल साले व्यूअर। अरे नहीं नहीं बाबा, व्यूअर्स भी ये व्यूअर्स लोग है ना, इन लोगों को भी कुछ ना कुछ चाहिए भाई, इन लोगों को मतलब ड्रामा चाहिए, खेला चाहिए, ठीक है। तो हाँ भाई, ये नीचे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये इंस्टाग्राम मतलब के जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, उन लोगों से रिलेटेड किसी किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं भाई देखो, मैं अक्की को फिर जितने भी दूसरे इंस्टाग्राम वाले हैं उन सबको अब मैं अपना भाई और अपनी बहने मान चुका हूँ, ठीक है। तो उन लोगों के साथ अब मुझे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी ना तो किसी और। हाँ अब तो भाई मैं नए नए शिकार पकड़ूंगा, कोई बड़ा शिकार हाथ लगाए आपकी बात पनौड़ी। अरे बहुत बड़ा शिकार हाथ लगाए, उसने मुझे 2.5 साल पहले गाली दी थी, ठीक है, लेकिन वो भूल गया कि हर एक कुत्ते का दिन आता है, और वो ये भी भूल गया कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं लोमड़ी हूँ। अच्छा हाँ, अब मेरा टाइम आया है, आज आज रात को मेरा टाइम है अक्की भाई। 2.5 साल पहले मुझे गाली दी थी उसने, बिना फालतू के बिना बजे, मैं उसको जानता भी नहीं था 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले आप लोग नहीं थे उस टाइम पे, तो नहीं थे आप लोग, नहीं थे इंस्टाग्राम पे, मैं था, मैं और मेरी हिजड़ी दीदी थी, हम दोनों थे हाँ, और मुझे गालियां दी थी। देख रहे पनाड़ी भाई, बोलेंगे व्यू बढ़ेगा आज भाई, आज 1200 करवाओ मादर चोदो, रात के 12:30 बज रहे हैं, 1200 करवाओ सालो, लाइव से यार कटी। पनोड़ी भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिजड़ी के साथ तुम बैठे हो, तुम्हें किसी ने गाली दी हो, तुमने उसे सूखा ही जाने दिया हो। 1200 करता मैं तो दांत मारे, मैं सूखा इसलिए जाने दिया था क्योंकि 2.5 साल पहले वो कुछ नहीं था, और उसको मैं मेरा फेम देना नहीं चाहता था। सोचो 2.5 साल पहले उल्टा सीन था, 2.5 साल पहले उल्टा सीन था कि मैं उसको मेरा फेम देना नहीं चाहता था, लेकिन अब टाइम की घड़िया बदल चुकी है, टाइम बदल चुकी है, बदल चुका है, ठीक है। अब वो 2.5 साल पुराना बदला आज रात को लूंगा मैं, और जब मैं बदला लूंगा ना, तब उसको याद आएगा कि हाँ दी थी मैंने गालियां, और देखो आज क्या हो गया मेरे साथ। बहुत मजा आएगा आज रात को। देखो लोग तीन नाम लिख रहे हैं सबसे ज्यादा, थाराबाई जुजिंदर, एक राखी सावन, और एक और किसका नाम लिखा था अभी, वो तो भी पता चलेगा, ये बात सस्पेंस में ही रहने दो, रील का इंतजार करेंगे सिर्फ हम लोग, रील का इंतजार है। 1100 अरे पुनीत सुपरस्टार तो मतलब अब बुझता हुआ दिया हो गया, वो मतलब के वो मरने से पहले दिया थोड़ा फड़फड़ाता है ना, ऐसा वो 1-1.5 महीने तक फड़फड़ाया, अब उसका टाइम गया, मतलब वो खत्म है पुनीत सुपरस्टार, उसका क्या मतलब भाई हमसे। एक तो सूपी भाई आपने ना 800-900 लोगों को तो ब्लॉक करके रखा है साला। नहीं कौन ब्लॉक कर दूंगा बाबा, हाँ मेरे लौंडे पूरा जोर लगा रहे हैं, पर गांड फटे तक भी जोर लगा दे तो भी 1200 नहीं हो पा रहे। अरे क्या बाबा 1200 करना है, अरे 1500 कर दे यार, 1200 की औकात ही क्या है। अरे कभी कभी लगता है ऐसे किक मिलती है कुछ ऐसे करने में, भाई 1500 अभी के अभी मैं करवा सकता हूँ, बोलो बाबा। नहीं अभी 1200 मेरा टारगेट है, 1200 करवाऊंगा, 1500 करवा सकता हूँ भाई, लाइव शेयर करो, वो पोस्टर में दिखाऊंगा अभी के अभी जो मैंने $250 एक मैंने पोस्टर $250 मतलब इंडिया का कितना हुआ पता है, पता है तुम्हें, इंडिया का हुआ ऑलमोस्ट 20,000 रुपया,
20,000 रुपीज का सिर्फ मैंने अक्की भाई पोस्टर बनवाया है। सोचो मुझे बहन जो कितना गुस्सा होगा उस बंदे पे भाई, जिसके लिए 20,000 खर्च कर दिए तो कुछ ना कुछ तो बात है। हाँ, 20,000 रुपया मैंने खर्चा कर दिया कि बहन चोद मैंने आज तक इतनी रील डाली, किसी भी रील में मैंने ना तो लोकेशन देखा, ना तो मेरे खुद का ड्रेसअप देखा, कुछ भी नहीं देखा। जो भी बकचोदी आई, जो भी लोकेशन हुआ था, मैं डाल देता था रील। बहुत सारी रील में तो बहन चोद मैं फिल्टर लगाना ही भूल जाता था, ठीक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये रील भैया ना, मैं बहुत ही दिल से डालने वाला हूँ, पैसा खर्चा किया है मैंने। हाँ, रील आने वाली है, तहलका मचाने वाली है। 11-43 भाई, मेरा टारगेट पूरा करो, फिर पनोड़ी भाई का टारगेट। नहीं नहीं नहीं, मेरा टारगेट कीर्ति पटेल ये सब फड़फड़ाते हुए दिए हैं, अब उन लोगों का कुछ नहीं रहा भाई सोशल मीडिया पे। अरे यार ये पागल लोग है, सालों में बोल रहा हूँ कि मेरी जिनके साथ कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है, उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब डीके मामा के लिए बेचो मैं 20,000 खर्चा करूंगा, पागल चूतिया लोग हो क्या तुम? पे मुझे गिफ्ट मत दो इतना बड़ा, तुमने पहले कहा था। क्या हुआ मेरे पीछे तो मतलब सब मेरे भाई है, जितने भी साथ बैठा हुआ हूँ मैं, और इसके साथ मेरी कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। वो बात सही है कि उसने मुझे 2.5 साल पहले गालियां दी थी, ठीक है, और मैंने चुप्पी मार ली थी। मुझे दीपक ने भी मना किया था, दीपक ने मुझे बोला कि पनोड़ी तू अपना भाई है, तू मत बोलियो। 79 अरे नहीं नहीं नहीं, भाऊ तो अपना बड़ा भाई है भाई, उसको उसके साथ मतलब क्यों पंगा ले। गैस करके भी किसी का नाम नहीं ले सकता, बाकी हाँ ये सुबह का इंतजार करूंगा मैं तो। सुबह का इंतजार करूंगा कि सुबह धमाका क्या होगा, धमाके का इंतजार है मुझे तो। अक्की भाई ऐसे कर रहे ना, बैठे आग लगी कहीं चिंगारी ऊपर ना गिर जाए। माधर चोद 1200 नहीं हो पा रहे बहन चोद यार, क्या जिद हो जाती है यार पनोड़ी भाई कभी कभी यार। अभी गए हैं मेरे लौंडे, भेजो यार माधर चोदो 1200 करो। भाई सब लोग लाइव शेयर करो, सब लोग लाइव शेयर करो, लाइव को 1500 तक पहुंचाओ भाई। मैं 1100 तक, हाँ, इस दिन का मैं पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहा था। मैंने 2.5 साल पहले सोचा था कि भाई मैं इस डेट को इतने बजे मैं ये चीज करूंगा, और देखो भाई भगवान ने साथ दे दिया मेरा, और वो चीज आज मैं रात को करने वाला हूँ, ठीक है भाई। सारा सिस्टम सब जो है ना, ये सिस्टम राव छोरा राव साहब का भाई, सारी चीजें रोकूंगा रात को मैं। हाँ, सो क्लोज अब समझ में आ गया मुझे थोड़ा थोड़ा, बाकी अभी चुप ही रहेंगे, ठीक है भाई। दिखाएंगे सिस्टम किसका चलता है और सिस्टम किसने हैंग कर दिया भाई। हैंग किए हुए सारे सिस्टम खोल दूंगा आज रात को मैं, जितने भी सिस्टम हैंग हुए है ना वो सारे सिस्टम खुल जाएंगे आज रात को। हाँ, सारा ट्रैफिक खोल दूंगा आज रात को भाई मैं। हाँ, और भाई देखो, हाथ जोड़ के जितने भी इंस्टाग्राम के मेरे यार दोस्त है उन सब लोगों को मैं एडवांस में बोल रहा हूँ कि ये हो गए 1200 पनोड़ी भाई। एक भी बंदा भैया ना समझाने के लिए मुझे नहीं आएगा भाई। नीचे इंस्टाग्राम वाले जो फेक आईडी से बैठे हुए है भाई, अगर एक भी बंदा मुझे समझाने के लिए आया ना, अगर एक भी बंदे ने मुझे डीएम करके बोला कि पनोड़ी भाई रील डिलीट करो, बहुत हड़कंप मच चुका है बैंचो, बहुत बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो चुकी है,
भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, दूसरी रील उसकी डालूंगा मैं तो। भाई कोई समझाने मत आइयो मुझे बेंचो, जब मुझे 2.5 साल पहले गाली बोली थी तब तो तुम कोई समझाने के लिए गए नहीं थे, तो इस मैटर में कोई बीच में मत आइयो। अरे इतना सीरियस क्या हो गया यार पनोड़ी भाई? यार मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 20,000 रुपये का मैंने पोस्टर बनवाया है यार, अब बात इतनी सीरियस होगी तभी तो मैंने पैसे खर्च किए ना। चलो पैसे तो जाने दो, वहां पे मैं 1 घंटे तक रुका रहा। पनोड़ी भाई अब पोस्टर दिखा दीजिए लोगों को, क्योंकि यार भाई यार टारगेट पूरा किया है यार अपना। मैंने 1500 बोला था बाबा, तुम्हारा टारगेट 1200 था, मैंने बोला था मैं 1500 पे दिखाऊंगा। अरे यार सूफी भाई इतने लोगों को ब्लॉक करके रखे हैं, कहां से अपनी ऑडियंस दिखती नहीं है उनको लाइव वाइव, इनकी क्या गलती है यार? और इन्होंने किया तो सही यार, 1300 तक तो तब भी पहुंचा है, 1270-80 तक, इतने में तो बनता है यार पनोड़ी भाई। आप थोड़ा सा बीच का दे दो टारगेट, सूफी भाई ने ब्लॉक किया इसलिए जनता जनार्दन को। अरे बाबा आप बाबा ग्रुप बना लेना, कोई किसी को जानता हो किसको अनब्लॉक करवाना, सारे ग्रुप बना भाई लेना, सीधे ब्लॉक लिस्ट में जाओ, सबको क्लियर कर दो। आज मेरा भाई मैं सबको अनब्लॉक कर दूंगा भाई, आई लव यू। 1500 कर दो भाई सबको, भाई बोल रहे हैं बाबा दिखाओ यार, दिखाओ यार पनोड़ी भाई। अरे पनोड़ी भाई, अरे ये गोल्डी भाई बोल रहा है कि 3000 पे पोस्टर दिखाना। अरे गोल्डी भाई यार सब ब्लॉक ब्लॉक वाले लोग हैं यार, यहाँ पे नहीं आएंगे 3000 रात के समय में करवा रहे हैं गोल्डी भाई, यार बीच का टारगेट दो। अच्छा आप 1500 बोले हो, 1400 फाइनल करो यार। देखो बाबा पोस्टर तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, पोस्टर दिखाने में कुछ है नहीं, लेकिन पोस्टर दिखाने के बाद है ना आग लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखो भाई ये सारी चीजें पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। ये देखो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे लेटर लिखे मेरे नाम का, और यूएस की गवर्नमेंट को ये लोग बोले कि भाई ये बंदे को ढूंढो, कौन है ये मादर जात। तो भाई ये होस्ट जो चला रहा है उसको पकड़ा जाएगा और क्या। अरे नहीं नहीं मेरी रील डालने के बाद बोल रहा हूँ मैं, मेरी रील डालने के बाद हो सकता है तो जिसकी लाइव रहेगी वो पकड़ाएगा पनोड़ी भाई, शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना। अभी मत दिखाओ पनोड़ी भाई, डायरेक्ट रील डालना। अरे नहीं मैं तो रील ही डालूंगा, यहाँ पे 1500 हो गए तो ही दिखाऊंगा, वरना मैं ये नल्ले लोगों को थोड़ी दी। पर मेरा क्या मतलब है नल्ले लोगों से यार, मुझे तो उससे बदला लेना है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई नल्ले लोगों से। चलो भाइयों और बहनों कोशिश करो 1500 तक का, 1500 टारगेट है भाई, 1500 कोशिश करो। पनोड़ी भाई को जवाब देना बहन चोत, पोस्टर आज ही देखेंगे सब कोई, देखे तो सही यार, मतलब क्या बनाए हो $250 में यार पनोड़ी भाई, हम लोग भी तो देखें भाई। 1400 नहीं यार 1500 करो यार, 1500 करो यार बहनचोद। अगर एक आदमी एक एक बंदे को भी शेयर कर दे तो 1500 हो जाएगा भाई, रात में 1 बजे करवा रहे हैं यार। ये लिख रहा है भाई चूतिया भाई, देखो चूतिया बना भाई, चूतिया बनाने की कोई बात भाई, वो तो रील में रात को डालूंगा, सबको पता चल जाएगा मैं चूतिया। और मुझे देखो भाई चूतिया बनाने से क्या मतलब है भाई, मेरा बदला है मैं लूंगा बदला, चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, ठीक है भाई। मैंने माँ बहनों की गालियां सुनी थी भाई, आज भी वो गालियां मेरी कानों में गूंज रही है, आज उसका बदला मैं पूरा करूंगा भाई। देखता हूं बेंचो किस देश की गवर्नमेंट मुझे रोकती है ये काम करने से। आज पता चल जाएगा कि पनौड़ी का बदला कितना गंदा होता है वो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन हो कौन सकता है यार भाई। ये रील डालने के बाद है ना सूफी भाई, तुम देख लेना सब लोग थूकेंगे उसके ऊपर के बेंचो, तूने तो मतलब अपने नाम का है ना थू थू करवा दिया।
कि तेरी कोई औकात ही नहीं है सूफी भाई।